हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग वेक्टर टॉपिक में रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स पढ़ चुके हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स पढ़ चुके हैं, रिजल्टेंट वाई कंपोनेंट मेथड पढ़ चुके हैं। इसके अलावे बहुत सारा डिस्कशन हमने वेक्टर से रिलेटेड किया है। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स एंड सब्ट्रैक्शन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल लेक्चर का हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल टिप्स हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इनडायरेक्टली बहुत सारे न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट हम आपके सामने रख चुके होंगे, बट आज की क्लास में हम सेलेक्टेड और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल डिस्कशन डिस्कस करने जा रहे हैं। आप लोग केयरफुली देखें, बोर्ड पर कुछ नंबर लिखा हुआ है। वन नंबर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट नंबर में लैंग्वेज पढ़िए, लैंग्वेज में क्या कह रहा है, उसके बाद लैंग्वेज के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन की ओर हम बढ़ते हैं। टू वेक्टर्स एक्टिंग थ्रू ए पॉइंट आर इन द रेशियो, दो वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड रेशियो दिया हुआ है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं है, मैग्नीट्यूड रेशियो है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप एक वेक्टर को लेट a इक्वल टू 3x देन b इक्वल टू 5x हो जाएगा। इफ द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, देन मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज 35। दोनों के बीच का एंगल जब 60 डिग्री है, इफ द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज 35, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 35 दिया गया है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स, प्रत्येक वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा ये हमें कल। अब यहां से आप देखिए a और b x के फॉर्म में दिया हुआ है, रिजल्टेंट दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है। a b r और थीटा के टर्म में आप फार्मूला यूज कर सकते हैं, r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इस वैल्यू को आप पुट अप करेंगे तो r के बदले में क्या रखेंगे, 35 का स्क्वायर, a के बदले में 3x का स्क्वायर, b के बदले में 5x का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 3x, स्पेशल यहां पर कम मिल रहा है, प्लस 2 इंटू 3x इंटू 5x इंटू cos 60 डिग्री। अब इसको आप मैनिपुलेट करेंगे तो 35 का स्क्वायर आप कितना होगा, 1225 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर प्लस 30x इंटू 1/2। यहां से x का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। x जब मालूम हो जाएगा तो x का वैल्यू यहां पुट करेंगे a निकल आएगा, x का वैल्यू यहां पुट करेंगे b निकल आएगा। अब यहां से देखो कि कैलकुलेशन और आगे कंटिन्यू करते हैं तब ये क्या मिल जाएगा, 1225 इक्वल टू ये 15x स्क्वायर होगा, x इंटू x स्क्वायर होगा, तो 15 प्लस 25 40 प्लस 9 49x स्क्वायर, इसलिए x स्क्वायर इज इक्वल टू 1225 y 49। तो यहां से x का वैल्यू निकल आएगा, x इक्वल टू 35 y 7 इक्वल टू 5। जब x निकल आया तो निश्चित रूप से a निकल आएगा, a इक्वल टू 3 इंटू 5 15 हो जाएगा, और
बी इक्वल टू 5 × x 5 × 5 25 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो चुका है, आंसर आ चुका है 15 and 25। देख लीजिए आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे, बहुत सिंपल एग्जांपल था, ए दिया हुआ था और बी दिया हुआ था, एग्जैक्ट नहीं दिया था, रेशियो के फॉर्म में, और ये भी कैलकुलेट करना था, थीटा दिया हुआ था, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दिया हुआ था। मतलब ये फार्मूला अगर आप जानते हैं तो पुटिंग द डेटा गेटिंग द रिजल्ट, पुटिंग द डेटा गेटिंग द रिजल्ट में जो सिंप्लीफाई करने में हमें वक्त लगा, बाकी कहीं कुछ नहीं है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल सेकेंड नंबर अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। सेकेंड नंबर न्यूमेरिकल का लैंग्वेज आप पढ़ें, क्या प्रॉब्लम में दिया हुआ है उस प्रॉब्लम को आप समझिए। टू फोर्सेज पी एंड क्यू एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस, दो फोर्स है, एक पी है और दूसरा क्यू है, अपोजिट डायरेक्शंस में है, हैव रिजल्टेड 10 न्यूटन। अपोजिट डायरेक्शंस में जब दो वेक्टर होता है 180 डिग्री एंगल बनाता है तो मिनिमम मैग्नीट्यूड होता है और वह पी माइनस क्यू होता है। लिखा है व्हेन एक्टिंग परपेंडिकुलरली हैव रिजल्टेड 50 न्यूटन, और जब परपेंडिकुलरली लगता है तब उसका रिजल्टेंट 50 न्यूटन है। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेज, यहाँ पर फोर्सेज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मतलब पी और क्यू का इंडिविजुअल वैल्यू क्या होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। अब आगे देखते हैं इसका कैलकुलेशन में कि डेटा जो दिया हुआ है उस डेटा के अकॉर्डिंग, इसमें एक बात अगर हम लोग ये मानकर चलें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि पी और क्यू का रिलेशन डिफाइन नहीं किया है कि पी और क्यू में कौन छोटा होगा और कौन बड़ा होगा। ये हो सकता है कि सॉल्यूशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसलिए हम यहां पर लिख देते हैं पी लेस देन क्यू, लेट पी लेस देन क्यू। ऐसा नहीं लिखने से क्या प्रॉब्लम हो सकता था, सॉल्यूशन के बाद आपको खुद को खुद समझ में आ सकता है। हालांकि जहां से प्रॉब्लम हमने नोट किया है वहां पर ये कंडीशन नहीं दिया हुआ था कि पी लेस देन क्यू। सॉल्यूशन, टू फोर्सेस पी एंड क्यू एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस हैव रिजल्टेड 10 न्यूटन, इसका मतलब क्या है, पी माइनस क्यू इक्वल टू 10 न्यूटन गिवन है, P माइनस क्यू इक्वल टू 10 न्यूटन है। When acting perpendicularly have resultant 50 न्यूटन, और जब परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहा है तब वैल्यू क्या होगा, P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और ये वैल्यू कितना है 50 न्यूटन। अब यहां से आप देखें तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 50 का स्क्वायर हो गया। एक इक्वेशन ये है और दूसरा इक्वेशन ये है, इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व कर लेना है। इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो अभी हमने जो लिखा है पी लेस देन क्यू, थोड़ा उस पर बात करना चाहते हैं। अगर पी लेस देन क्यू है तो हमें P माइनस क्यू नहीं लिखना होगा, Q माइनस P लिखना होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि अपोजिट डायरेक्शन में दो वेक्टर होता है तो रिजल्टेंट P माइनस Q होगा या Q माइनस P, ये डिपेंड करता है बड़ा वैल्यू में से छोटा वैल्यू को माइनस करके। अगर P ग्रेटर देन Q रहता तब हम यहाँ लिखते P माइनस Q, और उसके अकॉर्डिंग P लेस देन Q और P ग्रेटर देन Q के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल आंसर आपका अलग अलग होगा, इसलिए मैंने वहां पर पुटअप किया था बाद में P लेस देन Q। तो क्या हमें करेक्शन करना चाहिए, यहाँ P माइनस Q नहीं लिखना चाहिए बल्कि हमें Q माइनस P लिखना चाहिए। क्यों हमने ऐसा किया, इसलिए कि Q का वैल्यू P से ग्रेटर है। अब यहां से दोनों को सॉल्व करना है, फ्रॉम फर्स्ट
क्यू इक्वल टू पी प्लस टेन। हमने फर्स्ट से क्यू का वैल्यू पी प्लस टेन कर लिया। अब ये पी प्लस टेन का वैल्यू इसमें अगर पुट कर देते हैं तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, ये देखिए क्यू इक्वल टू पी प्लस टेन पुट इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में पुट करते हैं तो पी स्क्वायर प्लस पी प्लस टेन का होल स्क्वायर इक्वल टू 50 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व आप करेंगे तो पी स्क्वायर प्लस 20p ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में इसको ले जाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा 100 इक्वल टू 2500। ये वैल्यू क्या आ जाएगा 2p स्क्वायर प्लस 20p इक्वल टू, इसको इधर ले जाएं आप तो 2400। इसको और सॉल्व करेंगे तो पी स्क्वायर प्लस 10p माइनस 1200। ठीक से देख लो कहीं कुछ छूटा नहीं है। 2 से हमने डिवाइड कर दिया दोनों साइड तो पी स्क्वायर हो गया, 10p हो गया, ये 1200 हो गया इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन करेंगे उससे दो वैल्यू आएगा और दोनों ही वैल्यू हमारा पी का वैल्यू आएगा। तो एक वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो एक वैल्यू नेगेटिव आएगा। हम पॉजिटिव वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे, नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट करेंगे और पी का वैल्यू जब निकल आएगा तो यहाँ से क्यू का वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू माइनस 10 प्लस माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 4 × 1 माइनस 1200 डिवाइडेड बाई 2 × 1। उसके बाद आगे इसको कंटिन्यू आप करें तो माइनस 10 प्लस माइनस 100 और ये क्या हो जाएगा 4800, टोटल 4900 डिवाइडेड बाई 2। आप देख लीजिए P का वैल्यू माइनस 10 प्लस माइनस 4900 70 डिवाइडेड बाई 2। पॉजिटिव वैल्यू आप लेंगे तो 70 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 60/2 30 आ जाएगा। तो पॉजिटिव वैल्यू 30 आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू हमको लेना नहीं है। यहाँ पर माइनस वैल्यू आ रहा होगा माइनस 10 माइनस 70 माइनस 40, तो माइनस 40 वाला वैल्यू नहीं कंसीडर करेंगे, प्लस 30 वाला लेंगे। और पी का वैल्यू प्लस 30 जब हमने ले लिया तो यहाँ से क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, पी प्लस 10 30 प्लस 10 इक्वल टू 40। तो इसका आंसर क्या हो गया 30 और 40। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में आंसर पॉइंट आ गया 30 और 40। ये सॉल्यूशन सेकेंड नंबर हमारा हो गया। सारे लोग अच्छे समझ गए हैं, आगे हम बढ़े न्यूमेरिकल नंबर 2 के बाद 3 का सॉल्यूशन समझते हैं। 3 नंबर में क्या दिया है, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज 3p एंड 2p। टू फोर्सेज है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता। अब वेक्टर को a और b से यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ 3p और 2p दिया है। आप चाहें तो इसको समझ लें कि ये a के बदले में दिया हुआ है और ये b के बदले में दिया हुआ है और ये रिजल्टेंट r है। इफ द फर्स्ट फोर्स इज डबल देन द रिजल्टेंट इज ऑल्सो डबल। पहला फोर्स को डबल करने से रिजल्टेंट डबल हो जा रहा है। फाइंड द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस, दोनों फोर्स के बीच का एंगल कैलकुलेट करना, मतलब थीटा दिया हुआ नहीं है। दो कंडीशन दिया है, पहला कंडीशन में रिजल्टेंट आर है तो पहले कंडीशन से हम लोग क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन फर्स्ट कंडीशन आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर के जगह पर 3p का स्क्वायर। फार्मूला सबको याद है ना, एक बार आप चाहो फार्मूला लिख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा
तो यहाँ पर आर स्क्वायर इक्वल टू ए की जगह पर 3p का स्क्वायर प्लस 2p का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3p इंटू 2p इंटू कॉस थीटा। यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू 3p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर प्लस 2 3p इंटू 2p कॉस थीटा हो गया। तो अब चाहे तो आप थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लें, आर स्क्वायर इक्वल टू 9p स्क्वायर 4p स्क्वायर 13p स्क्वायर प्लस 12p स्क्वायर कॉस थीटा। ये इक्वेशन फर्स्ट। कंडीशन सेकेंड में क्या दिया गया है? कंडीशन सेकेंड में लिखा है इफ द फर्स्ट फोर्स इज डबल, मतलब जो 3p था उसके जगह पर 6p कर दिया गया है। नाउ 3p को डबल्ड किया गया है, डबल्ड करने के बाद ये 6p हो चुका, लेकिन लिखता है कि उसके 6p होने से क्या होगा, रिजल्टेंट इज ऑल्सो डबल, रिजल्टेंट भी जो आर था अब 2r हो गया, तो रिजल्टेंट इज ऑल्सो डबल्ड। रिजल्टेंट 2r हो जा रहा है, तो आप क्या लिखेंगे इसके लिए, 2r का स्क्वायर इक्वल टू 3p के बदले क्या रख लेना है, 6p का स्क्वायर, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है सेकेंड वाला में, 2p का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6p इंटू 2p कॉस थीटा। आगे बढ़े आप, 4r स्क्वायर इक्वल टू 36p स्क्वायर और 4p स्क्वायर, टोटल कितना हो जाएगा, 36 प्लस 4 40p स्क्वायर प्लस 24p स्क्वायर कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर सेकेंड, सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, टू बाई फर्स्ट इसको आप करेंगे, तो इससे इसको आप डिवाइड कर दीजिए, 4r स्क्वायर बाई r स्क्वायर इक्वल टू 40 प्लस 24 cos थीटा p स्क्वायर इन कॉमन डिवाइडेड बाई, इसमें आप क्या करेंगे, 13 प्लस 12 cos थीटा p स्क्वायर कॉमन। अब आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इसको आप सॉल्व कीजिए, कॉस थीटा का वैल्यू निकल आएगा 13 × 4 प्लस 12 × 4 कॉस थीटा इक्वल टू 14 प्लस 24 कॉस थीटा। देख लीजिए इसको यहाँ हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, ये हो गया 52 प्लस 48 कॉस थीटा इक्वल टू 40 प्लस 24 कॉस थीटा। और कैलकुलेट करेंगे, 48 में से 24 कॉस थीटा को आप माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 कॉस थीटा इक्वल टू 52 में से 40 को माइनस करेंगे कितना बचेगा, 12 बचेगा, नेगेटिव साइन के साथ आएगा -12। तो यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू -1/2 थीटा इक्वल टू 120 डिग्री हमारा आंसर हो चुका है। ये 3 नंबर का हमने सॉल्यूशन किया, आगे 4 नंबर देखते हैं। अब 4 नंबर प्रॉब्लम आपके सामने है, इसका सॉल्यूशन करना है। टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई, अच्छे से आप समझिए, एक्स और वाई अलग अलग वेक्टर नहीं है, बल्कि एक्स वाई एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। आप इसको ऐसे सोचिए कि ए के बदले एक्स प्लस वाई दिया है और एक्स माइनस वाई दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड है,
मतलब ये बी के बदले दिया गया है। इसके बाद रिजल्टेंट स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, मतलब ये वैल्यू किसके बदले दिया हुआ है, आर के बदले में दिया हुआ है, कैपिटल लेटर आर के बदले में ये दिया हुआ है। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है, थीटा नहीं दिया हुआ है, वही कॉस थीटा हमको कैलकुलेट करना है। कोसाइन वैल्यू ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स मतलब कॉस थीटा। आप फॉर्मूला यूज कीजिए सॉल्यूशन में, फॉर्मूला ए आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, आर के बदले क्या रखेंगे, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई कॉस थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर इसका स्क्वायर लेना है, इसको स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा, ये वैल्यू इससे कैंसल आउट हो जाएगा, ये सर्कल इससे डबल एरो जो हमने लगाया डबल टिक मार्क किया, ये डबल टिक मार्क को कैंसिल करेगा, सिंगल टिक मार्क को कैंसिल करेगा, रिजल्ट जो रह जाएगा लेफ्ट साइड में जीरो, राइट साइड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉस थीटा। अब यहां से आप देखें कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो कॉस थीटा इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये नीचे चलाएगा, टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, माइनस कॉमन कर लेंगे तो कॉस थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आंसर फोर, क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल नंबर फोर, फोर नंबर न्यूमेरिकल का आंसर है। इसके बाद हम लोग फाइव नंबर देखते हैं, न्यूमेरिकल नंबर फाइव आपके सामने लिखा हुआ, इसको पढ़ें आप अच्छे से, मैं भी पढ़ रहा हूं साथ साथ आप सोचें। The sum of the magnitudes of two forces acting at a point is 18. एक ही पॉइंट पर दो वेक्टर है, दो फोर्स है, उसका मैग्नीट्यूड का एडिशन 18 दिया हुआ है, मतलब जो गिवन डेटा है उसको आप लिख लें a प्लस बी इक्वल टू 18 है। And the magnitude of their resultant is 12. Resultant का वैल्यू 12 दे रखा है, बट कंडीशन दिया है इफ द रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू फोर्स ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट जो है स्मॉलर मैग्नीट्यूड वाले फोर्स से परपेंडिकुलर है। इसका डायग्राम हम ऐसे बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव टिप्स में हम समझा चुके हैं, आप लोगों को सिखा चुके हैं कि रिजल्टेंट जब एक वेक्टर से परपेंडिकुलर होता है तो ये स्मॉलर मैग्नीट्यूड वाला हो जाएगा, तो ये आपका लार्जर मैग्नीट्यूड वाला हो जाएगा, एंगल दो वेक्टर के बीच का ये होगा, बाहर से अंदर से नहीं सोचे। इसी आर का वैल्यू यहाँ पर 12 दिया हुआ है। अब इस डायग्राम से ये गिवन डेटा था, अभी तक जो हमने बोर्ड पर लिखा है सॉल्यूशन का एक लाइन हमने यूज नहीं किया है। अब सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं, सॉल्यूशन फ्रॉम फिगर, फिगर से हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए। इसलिए यहाँ से b माइनस ए का वैल्यू क्या मिलेगा, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी प्लस ए। आर का वैल्यू क्या है, 12, तो 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी प्लस ए 18 है। b माइनस ए इक्वल टू 8, बी माइनस ए इक्वल टू 8 और b प्लस ए दिया हुआ 18, वो गिवन था, ये हमने क्या किया, मैनिपुलेट किया। अब दोनों को आपस में आप ऐड कर दीजिए तो माइनस ए प्लस ए क्या होगा, कैंसल आउट हो गया, 2b इक्वल टू 26, b इक्वल टू 13। अब b अगर 13 हो गया तो दोनों का एडिशन 18 है, तो a का वैल्यू 18 माइनस बी, मतलब 18 माइनस 13 इक्वल टू 5। हमारा आंसर इसमें क्या मिला, आंसर हमारा हो चुका है एक वेक्टर का वैल्यू 5 आ रहा है और दूसरे का वैल्यू 13 आ रहा है। ये हमारा इसका सॉल्यूशन।